नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जीएन भारत में लगातार पूजा सिंगल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले हम आपको जीएन भारत में दे रहे हैं। और जैसा हमने आपको कल बताया था कि पूजा सिंघल के लिए गद्दा आया है, चूंकि वो आईएएस ऑफिसर रह चुकी है, ऐशोआराम में रह चुकी है, तो जीना दुश्वार हो रहा है इस गर्मी में। पंखे के नीचे दाल पतली है, बहुत सारी शिकायतें हैं उनको। अब जो खबरें आ रही है कि मैडम को अपर डिवीज़न सेल में रखा गया है। आपको बताते हैं अपर डिवीज़न सेल क्या होता है जेल में। अपर डिवीज़न सेल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें जैसे बेड, गद्दा, अखबार, टीवी जैसे सुविधाएं और आपको घर से कुछ खाने के सामान, कैंटीन फैसिलिटी, कुछ पैसे, ये सब रखने की आपको आज़ादी होती है। तो पूजा सिंघल उनके पति भी कल अभिषेक झा उनसे मिलने आए थे, अनफॉर्चुनेटली मिलने नहीं दिया गया किसी कारणवश से। लेकिन ऐसा सुनने में आया, सीसीटीवी कैमरा में आया कि राम विनोद सिन्हा और जो अभिषेक झा है वो दोनों कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और गवाह को मिटाने की भी ऐसी सुनने में आ रहा कि वो लोग बातें कर रहे थे। लेकिन ये बातें आ गई है और पुलिस भी इसकी पड़ताल कर रही है। अभिषेक झा को मिलने नहीं दिया गया, वो होटवार जेल के पीछे से ही निकल गए ताकि मीडिया से मुँह छुपा के वो भाग सके, मीडिया से बच सके, मीडिया के सवालों से बच सके। आपको बताते हैं पूजा सिंघल को अभी अपर डिवीजन सेल में रखा गया है, जहां पे उन्हें अखबार पेपर जैसी सुविधाएं मिल रही है, बेड मिल रही है और ऐसा सुन में है कि घर से उनके लिए स्नैक्स, नूडल्स, चाउमिन, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें उनको खाने के लिए मुहैया कराई जा रही है। जी हाँ, ये कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। पूजा सिंघल, वो पूजा सिंघल जिन्होंने झारखंड को लीडा, वो पूजा सिंघल जिनके घर से ईडी ने लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, इतने बड़े संगीन आरोप में जेल है, लेकिन उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे चोर अधिकारियों को आखिर इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि कानून जो है राइट टू इक्वालिटी के तहत हर एक नागरिक को जो भी जेल में होता है उसको समान ट्रीटमेंट देने की बात कही है। सिर्फ इसलिए कि आप आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए क्योंकि आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, देश का सबसे बड़ा गरिमा का पद होता है। उतने बड़े पद पर रहते हुए इतना घिनौना और नीच काम करने वालों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कहते हैं ना, झारखंड में मानो तो हेमंत सोरेन सरकार ने उल्टी गंगा बहा के रखी है, जहां पूजा सिंघल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनके तालाब में जितनी मछली है उनको पकड़ना चाहिए, तो यहां उल्टा हो रहा है। यहां पे और उनको वीआईपी। अब सुनने में एक बात और आया जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि अब अपर डिवीजन सेल से ऐसी बातें की जा रही कि उनको रिम्स शिफ्ट किया जाता है। आपको बता दें अगर उनको रिम्स हेल्थ, अगर बीपी हाई लो नीचे बहुत होता है और अगर उनको रिम्स शिफ्ट कर दिया जाता है तो रिम्स में उनको कॉटेज की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, रिम्स में कॉटेज है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है और वहाँ पर रेगुलर चेकअप उनका होता है रिम्स में। तो अगर मैडम बहाना बनाती है, चूंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि ईडी के चुपते हुए सवाल से हमेशा उनका बीपी जो है हाई लो हाई लो हाई लो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर से हमने बात की, डॉक्टर ने साफ कहा उनको कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ चिंता और तनाव में है। आपको बता दें आईएएस ऑफिसर का रुतबा कम नहीं हो रहा है कि आसपास की जो महिलाएं हैं जेल में उनका सेवा कर रही है, कोई पैर दबाती, कोई हाथ दबाती है, कोई उनसे हालचाल पूछती है, यानी इनका ठाट बाटा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा क्या उन्हें रिम्स के कॉटेज में शिफ्ट करके एक बहुत बड़ा वीवीआईपी फैसिलिटी मिलता है या सरकार वाकई में सीरियस होकर संज्ञान लेती है। इसके साथ ही हमने प्रेम प्रकाश और विशाल चौधरी के बारे में आपको बताया था, विशाल चौधरी के मोबाइल से 216 GB डेटा मिला है। इसके साथ ही उनके घर में कितने बड़े बड़े आईएएस रंगरलियां मनाने आते थे, इसके वीडियोस भी वायरल हुए। क्या कुछ नया अपडेट अब सुनने में आ रहा है कि 17 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं प्रेम प्रकाश के घर से, तो क्या कुछ उस मोबाइल से निकल के आता है, क्या अपडेट है। हम जीएन भारत पे आपको लगातार, आप बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।